हेलो, वेलकम टू कर्ली टैरो 444। और आज की रीडिंग है आपकी वीकली प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आने वाले वीक में। हम सब जानेंगे इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ एडवाइजेस, आपका सेल्फ ऑरा कैसा रहेगा सब। बट ये कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, ये है आपके लाइफ पाथ नंबर पे बेस्ड रीडिंग। हर एक का एक लाइफ पाथ नंबर होता है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होता है। वो कैसे निकाला जाता है उसकी सारी डिटेल आपको इस इमेज में दिखेगी। जे ये एक मैंने एग्जांपल के साथ दिया, इसी तरह आप अपना एग्जांपल लेके अपने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कीजिए। जो भी नंबर आपका सिंगल डिजिट में आता है 1 से 9 के बीच में, वो आपका लाइफ पाथ नंबर है। जब आप अपना नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे टाइम स्टैम्प में जाइएगा और उस नंबर पर क्लिक करके अपना वीकली टैरो पढ़ लीजिए। हेलो, लाइफ पाथ नंबर 1, अगर मैं बात करूं आपका ये वीक कैसा जाने वाला है, तो मुझे ये वीक आपका बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और इवेंट से भरा हुआ लग रहा है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में इस वीक में आएगी जो कि कल को आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सकती है। अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल लव लाइफ के बारे में, मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आ रही है। जो भी आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी लव लाइफ से है, अगर अपने पार्टनर से बात करने की, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, या अगर आप सिंगल है किसी से मिलने की, वो सब होता हुआ मुझे इस वीक में दिख रहा है। इनफैक्ट आपके करियर में भी मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म भरा हुआ है। शायद कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, कोई नई जॉब का ऑफर आ सकता है, किसी नए चीज़ के लिए आइडिया आ सकता है जो कि कल को आपको करियर में हेल्प करे। बिकॉज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इतनी सही लग रही है, आपका जो ऑरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है मुझे। एक तरह से एम्प्रेस एनर्जी जैसा ऑलमोस्ट वाइब आ रहा है, क्योंकि आपके पास 9 of Pentacles आया हुआ है जो बताता है सेल्फ सफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस। आपको सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जिस चीज़ के लिए आपका फोकस बना हुआ है उस चीज़ पे अड़े रहिए और उस चीज़ के लिए कॉन्टिन्यूसली काम करते रहिए। वहीं पर जहाँ आपकी मैं लव लाइफ के बारे में सिर्फ एक एडवाइस दूँगी, चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सही तरीके से जा रही हैं, तो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग क्वाइट गुड। अगर आप ज़्यादा ही उनमें डोमिनेट होके उन्हें ऐसे फंसाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, एंड आई रियली विश यू ऑल द गुड लक फॉर द नेक्स्ट वीक। हेलो, वेलकम लाइफ पाथ नंबर 2 पीपल। मुझे नज़र आ रहा है ये वीक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट से फुलफिलिंग आपके लिए ये नज़र आ रहा है। आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब लोनली आप इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं हो। व्हेन इट कम्स टू योर सोशल सर्कल, काफ़ी हैपनिंग लग रहा है। फ्रेंड्स से मिल सकते हो, कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो कि आपको स्पेशल फील कराएं। और अगर कहीं ना कहीं कभी आप कुछ पास टाइम से थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे या लोनली फील कर रहे थे, तो वो आपकी फीलिंग चली जाए और आपको ये एहसास हो कि नो, आई हैव समवन, आई हैव पीपल हु एक्चुअली केयर फॉर मी। जिस वजह से आपके लिए आपका, अगर मैं पर्सनल फीलिंग, पर्सनल ऑरा भी अगर रीड करूँ, तो वो बता रहा है सेलिब्रेशंस की बात, जहाँ पे यू आर फीलिंग समहाउ सेलिब्रेटेड एंड इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, और मेरे होने ना होने से लोगों को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किन्हीं दो कामों को लेकर जगलिंग कर सकते हो, तो शायद कुछ आप साइड पार्ट काम कर सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल काम के साथ साथ आप पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में अगर बात कहूँ, तो वीक बहुत ज़्यादा लाइट जाने वाला है। अगर आप कमिटेड हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग्स करेंगे आप लोगों से, बट प्लीज़ उनको एक अच्छे लिमिट में ही रखिएगा। और इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर सिंगल, नए लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, सो जस्ट इन्जॉय द कॉम्प्लीमेंट्स। और आपके लिए, आपके एक और पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए एडवाइस सिर्फ ये आ रहा है, क्योंकि आप दो चीज़ों में मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जो आपका मेन प्रायोरिटी है उस पर ज़्यादा फोकस देना। ये ना हो कि दो चीज़ें बैलेंस करने के चक्कर में आप दोनों ही चीज़ों को ख़राब कर दो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके लिए चीज़ें बहुत सही लग रही है। पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार मिलने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी नज़र आ रहे हो, एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। बाय बाय।
हेलो लाइफ पाथ नंबर 3, आपके आने वाले वीक में सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ का। तो पर्सनल लाइफ में मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट दिख रहा है। तो पीपल हु आर सिंगल, मुझे लग रहा है कि आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, और जो लोग कमिटेड हैं उनके एक और लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। तो शादी की बात चल सकती है, ऑफिशियल प्रपोजल हो सकता है, मतलब कुछ तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक लेवल का ऑफिशियल भी है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए एनर्जी मुझे इस वीक में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में आपको बोला जा रहा है, क्योंकि हर तरीके से आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड है इस वीक में आने वाला है, क्योंकि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत सही तरीके से जा रही है। आपको थोड़ा थैंकफुल होना है यूनिवर्स को और लोगों को जो आपको इन अपॉर्चुनिटी से प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं आपका सेल्फ ऑरा रीड कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा घमंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हर तरीके से चीज़ें बहुत सही चल रही है। और ऐसा होता है कि जब चीज़ें आर गोइंग टू वेल फॉर अस, वी समटाइम्स टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और फिर गड़बड़ वहीं पे हो जाती है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि पर्सनल ऑरा में थोड़ा सा आप मुझे मिसमैनेज लग रहे हो अपने ईगो की वजह से, तो उस चीज़ को थोड़ा टोन डाउन करना, बाकी सारा सही है। तभी आपके लिए एडवाइस भी आई हुई है कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को मेनटेन करके रखिएगा, हम्बल रहिएगा, चीज़ों को अपने रफ्तार से करिएगा। जो चीज़ों पर आपको नाज होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, उन चीज़ों पर नाज करिएगा, पर बी हम्बल। एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ के लिए गेन एक कॉन्फर्मेशन आया है मैट्रिमोनी का, जो कि ये बताता है कि आपके अपने रिलेशनशिप अपने पर्सनल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक हद लेवल पे कमिटमेंट अच्छी आ रही है, एक ऑफिशियल तरीके से आ रही है, जो कि आपकी एनर्जी को, आपके पार्टनरशिप को, आपके एसोसिएशंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। सो ये आपकी रीडिंग में आ रहा है गाइज। आई होप आप इस सबको मद्देनजर रखोगे, एंड आई रियली विश यू बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। बाय बाय। हेलो लाइफ पाथ नंबर 4, अगर मैं बात करूँ आपकी इस वीक की एनर्जी की, तो मुझे आप थोड़े से डिस्टॉर्टेड और व्हाट शुड आई से, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड एनर्जी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी इश्यूज मुझे आपकी लाइफ में इस टाइम पे दिख रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा थाट्स में उलझे हुए लग रहे हो। सो इट इज़ बेटर फॉर यू अगर आप थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग करो। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी, मेडिटेशन कर सकते हो ज़मीन पे बैठ के, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। गार्डन में जा सकते हो वॉक करने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। घास पे नंगे पाँव चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको काम डाउन करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ में आपको एक बेटर क्लैरिटी और विजन देगा अबाउट द ऑल द स्टफ जो करंटली आपकी लाइफ में जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए अपने रिलेशनशिप में या किसी पर्सन से आप किसी तरीके का कमिटमेंट चूक रहा है आपसे, या कोई आपको कमिटमेंट देने में चूक रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इनसफिशिएंट फील करा रहा है इन योर रिलेशनशिप। आपको शायद ऐसा लग रहा है अपने रिलेशनशिप्स में कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि सामने वाला मुझे अपना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ में फिर भी चीज़ें बढ़िया हैं। प्रोफेशनल लाइफ में करियर में ग्रोथ अच्छा नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिख रही हैं, उसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। बट हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इशू है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस वजह से जो आपका ऑरा भी है ना, वो थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना फोकस किधर रखूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रखूँ जहाँ चीज़ें थोड़ी बेटर नज़र आ रही है, या अपनी पर्सनल लाइफ में रहूँ जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब दिख रही है। तो आपके लिए वही मैंने जो बोला है, मेडिटेट करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पे पीस ऑफ एडवाइजेस जो दूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिलेशनशिप में अगर आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, या आप किसी से बात करने में हिचकिचा रहे हो कि इशू क्या है कि हम चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप उन पर्सन से बात कीजिए। लेट देम गिव द सेकेंड चांस टू यू, और यू लेट देम हैव अ सेकेंड चांस इन योर लाइफ। साथ ही साथ में मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा एडवेंचरस होने के लिए, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस में आने वाले फ्यूचर को मत रुइन करो, थोड़ा क्लैरिटी रखो। ओके, सो ये आपकी रीडिंग में आ रहा है लाइफ पाथ नंबर 4। आई होप ये आपको गाइडेंस देगा, एंड इट विल हेल्प यू इन द कमिंग वीक। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो लाइफ पाथ नंबर 5। अगर मैं बात करूं कि आपका वीक कैसा जाने वाला है, तो आपके वीक में भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं और उसमें से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपका कम्युनिकेशन का। आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है लोगों से, इनफैक्ट एनिमल्स, प्लांट्स, जिससे भी आप कम्युनिकेट करोगे, साइंस मांगोगे, आपको साइंस मिलेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। साइंस सपोज आप ऐसे मांग सकते हो, फेदर बर्ड्स के मांग सकते हो, या आप मांग सकते हो कि मुझे कैट दिखा दो भगवान जी, या मुझे ब्राउन कलर का डॉग दिखा दो, वाइट कलर का। तो इस तरह के आप साइंस मांगो अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, और आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपका पर्सनल लाइफ की, तो मुझे लग रहा है आप अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मार रहे हो किसी चीज़ को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने को के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बट सामने वाला आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि अपने एफर्ट्स आप वहाँ पर वेस्ट ना करो। जहाँ तक मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, नॉर्मल स्पीड से ही वो चलती रहेंगी, और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा सा पीस इंजॉय करोगे, आपको चीज़ें सही लगेंगी। बट आपको सिर्फ एक ये चीज़ बोलूँगी कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ओवर डू करोगे, लोग शायद उस चीज़ को एज अ नीडी समझे आपकी इस जेस्चर को। सो जस्ट बी काम एंड जैसे स्पेस चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल ऑरा अगर मैं रीड कर रही हूँ, तो चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक सही नज़र आ रही हैं, फुलफिल्ड नज़र आ रही है। अगर आप ज़्यादा ओवरडू करोगे, तो कई बार लोगों को आउट ऑफ द लाइन भी चीज़ें नहीं जमती हैं और वो आप ही के ऊपर बैकफायर हो जाएगी। सो आई वुड से इन्जॉय द गुड स्पेस विद योर पार्टनर, विद योर पीपल अराउंड यू। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं आपकी, आपको ज़्यादा थोड़ा उससे इनफैक्ट नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, उस चीज़ को वहीं देन एंड देयर ड्रॉप कर दो, क्योंकि आप उसको और खींचोगे तो वो कल को और आपके लिए एक इशू बन जाएगा, एक पेनफुल कंसर्न बन जाएगा, विच इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। ओके, सो या दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप आप इस गाइडेंस को लोगे एंड यू विल हैव अ हैप्पी वीक। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 6। अगर मैं बात करूं कि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंट अप्रोच अपनाने वाले हो, शायद अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो, या बहुत इस तरह से फाइनेंसेस को खर्च करोगे या कैलकुलेट करोगे जो आपका पूरा मंथ या आने वाले कुछ साल भी बहुत आराम से निकाले। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेटेड डिसीजंस यहाँ पे हो सकते हैं फाइनेंस को लेकर। फाइनेंशियली एक प्रॉपर बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, चाहे अभी इतना फाइनेंसेस फ्लो ना भी हो रहा हो, फिर भी यू आर मेकिंग सम डिसीजंस जो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेके जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो मुझे यहाँ पे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी नज़र आ रही है। यू एंड योर पर्सन इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ प्रॉपर टीम, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, और अगर इफ़ यू आर सिंगल करंटली, तो शायद ऐसा हो सकता है कि यू आर बीइंग वेरी कम्फर्टेबल विद योर सिंगलहुड, और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, और इनफैक्ट किसी को डेट कर रहे हो, यू आर सीइंग समवन, तो उनके साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ ये हफ्ता गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, तो जॉब में एक सडन चेंज दिख रहा है, एक सडन कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें टर्न हो रही हैं। तो अगर करंटली कुछ टाइम से यू नो यू आर स्ट्रगलिंग इन योर जॉब प्लेस, या कुछ जॉब को लेकर कहीं स्ट्रगल चल रहा है आपके करियर में, वो चीज़ें फाइनली सेटल आउट होती हुई दिख रही है। और एज आई टोल्ड यू, फाइनेंसेस को आप ऑलरेडी मैनेज कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही मच्योर अप्रोच के साथ फाइनेंसेस को देखा जा रहा है, उनको संभाला जा रहा है और उन पर वर्क किया जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट पार्ट। और आपके लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि एक अच्छी टीम की तरह चल रहे हो, तो जस्ट ये कन्फेशन आप उनसे ज़रूर कीजिएगा कि यू नो दे आर इम्पॉर्टेंट टू यू, दे मैटर टू यू, एक्सप्रेस देम लव। और अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, थोड़ा अपना इंटरेस्ट उनको शो कीजिए, थोड़ा सा उनको फाइनली क्लैरिटी दीजिए, सिग्नल दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरफ आगे बढ़े। रेस्ट द वीक इज़ लुकिंग टू गुड टू यू, कोई इंपॉर्टेंट क्रूशल डिसीजन लेना हो तो उसको आप इस तरह से ले सकते हैं कॉन्फिडेंस में, कैलकुलेशंस को लेकर, क्योंकि योर यूनिवर्स इज़ फेवरिंग यू विद अ कार्ड लक ऑन द साइड। सो येस, लाइफ पाथ नंबर 6 ये है आपकी रीडिंग। आई रियली विश यू अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय। हेलो लाइफ पाथ नंबर 7। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है
कि ऐसा हो सकता है ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है काम के लिहाज से, तो काम बहुत ज़्यादा होगा, अपने ऑफिस में शायद बिज़ी हो सकते हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो इस वीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेहनत टाइम एनर्जी काम के लिए जा रहा है, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो लोग अपने लव पार्टनर, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से किसी तरीके का कोई सिग्नल चाहते हैं, मैसेज चाहते हैं या कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो भी उनकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, कि आप लोग ना शायद कहीं ना कहीं पहले गिव अप कर रहे थे, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, आई एम ट्राइंग सो हार्ड, बट नाउ आई एम सीइंग फाइनली कि वो जो लेजीनेस है या गिव अप एटीट्यूड है, आप उसको कहीं ना कहीं क्विट कर रहे हो, एंड यू आर रेडी टू मेक डिसीजंस इन अ वे टू बी प्रोडक्टिव एंड फाइनली गेट द वर्क डन, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि आपके साइड में भी देखो तो कंक्लूजन्स विद इन द रीच है, आप ऑलमोस्ट अपनी रेस के एंड लाइन पे हो, तो अब आई वुड से पूरा जोर मारो और अपनी रेस को कंप्लीट करो। फाइनेंसेस मुझे आपके थोड़े से इस हफ्ते थोड़े एक्टिव लग रहे हैं, तो खर्चे पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, सो बी वेरी अवेयर ऑफ योर फाइनेंसेस। रेस्ट द थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड, पार्टनर के साथ अगर कमिटेड हो, एक अच्छा क्वालिटी टाइम, एक अच्छा बेड टाइम रूटीन यू कैन एंजॉय, एंड इफ़ यू आर सिंगल आई एम सीइंग हैव हेल्दी फ्लर्टेशंस आपके अराउंड काफ़ी होंगी। सो या पाइल नंबर सॉरी लाइफ पाथ नंबर 7, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो लाइफ पैथ नंबर 8, अगर मैं बात करूं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहले तो है इसमें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन। इस वीक आपको रियलाइज़ होने वाला है कि जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, किस तरह से उस चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है और क्यों लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक फिगर आउट कर पाओगे इस वीक अपने लिए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ आपके पर्सनल और पर्सनल लाइफ की और लव लाइफ की, तो उसमें थोड़ा सा तनाव रह सकता है। शायद आप अपने पार्टनर को लेकर, आपके लिए ये हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम से आपकी अनबन चल रही थी, तो वो कुछ हद तक इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, तनाव जो था वो कम होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं कह पा रहे थे या आपका पार्टनर आपसे कुछ नहीं कह पा रहा था, एक फाइनली एक डिस्कशन हो रही है एक दूसरे के साथ, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बेटर कर रही है। आई वुड से इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप अपने जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। इनफैक्ट अगर आप सिंगल हैं, यू आर क्रशिंग ऑन समवन, तो थोड़ा सा कन्फेस कीजिए, सामने वाले को हिंट दीजिए, वो आपके रिलेशनशिप को कल को और बेटर और मजबूत करने में हेल्प करेगा। जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी खुद की प्रोफेशनल लाइफ की, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, इसलिए आई वुड से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा प्रोफेशनल लाइफ में। इस हफ्ते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेट सिचुएशंस बी काम डाउन। जहाँ तक बात करूँ अगर मैं आपकी सोशल लाइफ वगैरह की, तो वो सब चीज़ें सही रहेगी उस लेवल पे, फ्रेंडशिप के लेवल पे काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। बस आपको एक ही सलाह दी जाएगी कि जो भी आप प्लान फोकस करना चाहते हैं उस पर पूरा फोकस बनाइएगा, एक्शन प्लान को क्राफ्ट कीजिएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कुछ इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कीजिएगा, और वर्क प्लेस पे थोड़ा सा खुद को संभाल के रखिएगा और प्रैक्टिकली चलिएगा। सो दिस इज़ इट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू लाइफ पाथ नंबर 8। आई विश यू अ हैप्पी वीक, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो लाइफ पाथ नंबर 9, अगर मैं बात करूँ आपके वीक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑरा डिमांड कर रहा है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की और डिटॉक्सिफिकेशन की फिज़िकली। तो आई वुड से डिटॉक्स पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, अपनी बॉडी को जितना आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में जर्नलिंग वगैरह कीजिए, क्योंकि अगर आप जर्नलाइजिंग वगैरह करेंगे या थाट्स वगैरह लिखेंगे, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ऐसी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है फॉर योर फ्यूचर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। जहाँ तक मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, मुझे आपकी लव लाइफ में कुछ नया आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, शायद रिलेशनशिप एक और स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ लव अटैचमेंट दिख रहा है, सिंगल्स के लिए कोई आता हुआ नज़र आ रहा है, तो लव लाइफ में एक न्यू एनर्जी का एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी, तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा
सा सिचुएशन बढ़िया ही नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ अच्छी स्पीड से अपने प्रोफेशन में आपका डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो कोई प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ सकता है या आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपको आपके करियर में वन स्टेप अहेड लेके जा सकता है, तो इट इज़ गुड, इट इज़ फाइन। अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंसिस की भी, तो आपके फाइनेंसिस में मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज दिख रहा है, एकदम सडन एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है या एक एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम आपका क्लोज हो सकता है, बट डोंट वरी, ये कुछ आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा है। अगर कुछ क्लोज भी हो रहा है तो उसकी जगह एक नया चीज़ आ रही है, मतलब देर इज़ सम काइंड ऑफ रिजुविनेशन दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। बस आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लव सिचुएशन में हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाई एनर्जी लग रहा है, चीज़ें बहुत क्विकली आउट ऑफ पैशन हो सकती हैं, थोड़ा सोच समझ के अपने लव लाइफ में पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड ओवरऑल बहुत क्लियर कम्युनिकेशन वगैरह रखिएगा लोगों से इस हफ्ते, और इनफैक्ट खुद से तभी मैंने कहा है कि जर्नलाइजिंग वगैरह अगर आप करोगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग्स लुक सुपर गुड फॉर यू एंड आई विश यू अ हैप्पी वीक। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।